खरगोन जिले के टेमरा रोड स्थित जिला जेल में शनिवार को विधिक साक्षरता शिविर और जेल निरीक्षण का आयोजन किया गया। जिला सत्र न्यायाधीश जी सी मिश्रा और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पद्मा राजौरे तिवारी ने निरीक्षण कर खाना बंदीगृह का रखरखाव के साथ ही स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। निरीक्षण में जेल के अंदर सब कुछ सामान्य मिला, किसी कैदी ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। न्यायाधीश मिश्रा ने कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता के साथ ही कैदियों के अधिकारों और दायित्वों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी बंदी के पास अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बंदी मिले जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन जमानतदार नहीं मिलने से वे जेल में बंद है। इस पर न्यायाधीश ने नाम नोट कर उन्हें मुचलके पर रिहा करने की प्रक्रिया के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। जिला जेल खरगोन का निरीक्षण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पद्मा तिवारी के साथ मैंने किया। वहाँ पर न केवल हमने सभी कैदियों की समस्याएं सुनी, महिला कैदियों को होने वाली समस्याओं के बारे में बात किया। वहाँ जो दो छोटे छोटे बच्चे भी महिलाओं के साथ निवास कर रहे हैं उनकी भी स्वास्थ्य की जानकारी लिया, उनको होने वाली असुविधाओं के बारे में हमने जानकारी लिया। इसके साथ ही आज जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें न केवल हमने ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास अभी आर्थिक कमजोरी के कारण एडवोकेट उपलब्ध नहीं है उनको विधिक सेवा प्राधिकरण में पैनल लायर से एडवोकेट दिलाए जाने के लिए निर्देशित किया और उनको छोटी छोटी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा ऐसे कैदी जिनकी जमानत हो चुकी है और जमानत प्रस्तुत ना कर पाने के कारण वो जेल से नहीं छूट पा रहे हैं, हमने इस बार प्रयास किया है कि उनका भी नाम नोट किया गया है कि उनको संभव सहायता दिलाई जा सके। भोजन का निरीक्षण किया कि उनको कैदियों को किस तरह का भोजन दिया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।